हेलो, इस समय मैं आपको कैनन IR3300 मशीन या उससे रिलेटेड जैसे 2200 हो गया, 2800 हो गया, 3320 हो गया, इन सभी मशीनों के पिकअप यूनिट के बारे में कुछ बात करेंगे हम लोग। अभी लेटेस्ट में मैं इस मशीन का सर्विस कर रहा हूं, बट इसमें यह प्रॉब्लम है कि फर्स्ट फेज जो होता है वो पिकअप नहीं ले रहा है। डेसमेंट ट्रे पिकअप ले लेता है, बट जब हम बात करते हैं कि एक कॉपी क्लिक करेंगे और वो कॉपी क्या होता है, डायरेक्टली जस्ट ट्रे से थोड़ा सा आउट होगा या तो ट्रे में ही रह जाएगा, और ये सारी चीजें कॉमन रहती हैं। बट हमने सब कुछ किया, पिकअप यूनिट का पूरा असेंबली निकाल के हर चीज क्लियरेंस, जो चीजें प्रॉब्लम या प्रॉब्लमेटिक लग रही थी उन सबको क्लियर किया गया, यहां तक कि हमको फॉल्ट लगा वायरिंग का, तो हमने इस मशीन का वायरिंग भी चेंज किया। ओके, तो हम समझ लो कि अभी इस समय इस मशीन का पूरा काम, अभी मुझे लगा इसका भी फॉल्ट हो सकता है। सेकंड थिंग, इसका डीसी बोर्ड भी रिपेयर किया गया है। ओके, इसका डीसी बोर्ड और पिकअप यूनिट का, जो पिकअप यूनिट में बोर्ड लगा रहता है उसे भी रिपेयर किया गया है। डीसी बोर्ड, पिकअप यूनिट बोर्ड, सेंसर, सो एवरीथिंग क्लियर। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो भी कॉपी हम मारते हैं, अभी मैं आपको इसमें दिखा दूं, इस मशीन में पेपर आउट नहीं हुआ। इसे दो तीन बार खोल के हमने इसको, इसके गियर सेटअप देखे, उसके बाद जो भी डिलीवरी रबर रखते हैं इसमें, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमने जो डॉक्टर टेप बोलते हैं जिसे, डॉक्टर टेप भी हमने लगा के देखा। जब बहुत ज्यादा लगाया तो थोड़ा कॉपीज बाहर निकली। अब हम इसके बारे में इसको प्रॉपरली खोलेंगे वापस से, और उसका पूरा गियर असेंबली जो है उस पर वापस से चेकिंग करेंगे कि आखिर क्या इशू है। ओके, ओके, चलो इसे खोलते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसके दोनों ट्रे निकाल दिया गया, और इस तरफ का जैसे खोलना है कि अगर पूरा पैक है तो इधर के कवर्स खोलने के लिए, फ्रंट कवर खोलने के बाद यहाँ एक स्क्रू रहता है और इसी कवर का एक स्क्रू यहाँ लगा रहता है, तो उनको खोल देने का तो फ्री हो जाएगा। इसे निकालना नहीं है, सिर्फ यहाँ का स्क्रू खोलने के बाद जो कवर निकालना है उसको निकालने के लिए थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले ये खोलने का, इसके बाद ये खोलिए, फिर जाके लास्ट में ये खोलिए। और सबसे पहले राइट डोर, और राइट डोर के बाद जब आप ये कवर और ये कवर खोल लीजिए तो उसके बाद बाईपास यूनिट है उसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप आगे का प्रोसीजर कीजिए। अब इतना सब कुछ खोलने के बाद पिकअप यूनिट का काम करना है, तो सीधे इसे खोलना शुरू करो। एक स्क्रू यहां लगा रहता है, एक यहां, टोटल दैट्स मीन तीन स्क्रू। इधर जो डिजाइन बना हुआ है ये वाला कटिंग का, इधर अंदर भी एक स्क्रू लगा रहता है, और एक दो तीन यहां, और फ्रंट में भी कुछ मशीनों में, फ्रंट साइड में यहां, इसके यहां जो एक होल्डर बना रहता है जो खुलता है पट्टी के पास, वहां भी एक लॉक लगा रहता है, उसको भी अगर वो भी लॉक लगा है तो उसे भी आप निकाल सकते हो।
खोल लेते हैं। कनेक्शन निकाल दिया, ये अपर कनेक्शन निकाल देने का, उसके बाद इसे आउट निकाल। निकालते समय बहुत ध्यान देने का कि कोई भी चीज टकराती है तो वहीं रुक जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसे ही खोलेंगे। सेकेंड थिंग, जब ये पिकअप का प्रोसीजर ले रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है कि पेपर मूवमेंट इसका सही है, हार्ड ज्यादा चले या कुछ वैसा, तो चलो भाई हाँ अपने को समझ में आता है कि हाँ क्या इशू है, प्रोसीजर भी प्रॉपर हो रहा है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है इन सब चीजों में। तो चलो सबसे पहले इसको खोलना है, और खोलने के लिए हमें क्या क्या करना है वो देखते हैं। और इसका सेकेंड ट्रे में कोई इश्यू नहीं है, सेकेंड ट्रे इसका प्रॉपर चल रहा है। कंसेप्ट आ जाता है इसको, इसमें कभी कभी एक दो तीन चार पांच पांच स्क्रू लगे रहते हैं, लेकिन इस समय इसमें सिर्फ एक और दो स्क्रू लगे हुए हैं। उसको निकाल लेता हूं मैं। निकालने के बाद सबसे पहला काम ये सोलेनोइड, ये फ्लैप पट्टी, आपको थोड़ा ओके। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका स्प्रिंग निकाल दो, और चीजें इधर उधर ना हो सके इसके लिए प्रॉपरली आपके पास कुछ ऐसा रखो, क्योंकि जब काम करने के बाद इसका असेंबली का टाइम रहता है तो आदमी फटाफट उसको असेंबल करने की कोशिश करता है, तो उस बीच कुछ चीजें नहीं मिलती तो परेशानी ज्यादा हो जाती है। इसे खोलते समय बहुत विशेष ध्यान देने हैं कि भाई प्लास्टिक की कंडीशन कैसी है। प्लास्टिक जूनी है, ज्यादा जूना होने से ये क्रैक्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, टूट जाएंगे, तो इसलिए बहुत केयरफुल हो के इस पे काम करने का। जूना प्लास्टिक रहता है तो थोड़ा भी ज्यादा प्रेशर लगा वो टूट जाएगा, तो मैं तो बोलूंगा कि ऐसे यूनिट्स को आप चेंज ही कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो ये है कि इसको बाहर खींचना। अभी ये एक लॉक यहां लगा रहता है, ये देख रहे हैं, दूसरा लॉक इस तरफ लगा रहता है यहां, तो प्रॉपरली उनसे पहले फ्री करने का, इनको धीरे से खींच के इसे बाहर कर दे। ये जो कनेक्शन है सेकेंड ट्रे का, उसको आउट किया, उसके बाद इसको रख दीजिए। अब हम इस चीज का ट्यूटोरियल करेंगे कि भाई आखिर क्या इशू है। हमारा ये चीज भी प्रॉपर दिख रहा है, हर चीज, ऐसा नहीं कि गियर घूमे, इसमें रिंग नहीं है, तो क्या रीजन हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसका बेल्ट मैं निकाल दूं, ओके, ये इसके सारे गियर्स हैं। चेक तो करना ही पड़ेगा यार, ये यहां सेंटर से लगा होता है, इसे निकाल दो।
उसके बाद इसे निकालने के लिए आप सीधे यहां से निकाल दो, ये इस ये रॉड यहां लगा रहता है और इसका स्प्रिंग यहां लगा रहता है। स्प्रिंग पहले इसलिए निकालना चाहिए कि प्रेशर कम हो जाता है तो आप आसानी से इसे बाहर कर सकते हैं। इस पे सिर्फ लाइनें हैं लेकिन ये घिसा हुआ नहीं है, एकदम प्रॉपर है। यहाँ कोई गियर कटा उटा हो तो नहीं, ये भी सही है। अब इसके बाद आता है बारी इसका, अगर पिकअप नहीं ले रहा है तो इसमें कई सारी चीजें हम अलग माइंड लगा सकते हैं, बट पिकअप लेने के बाद, अगर पिकअप नहीं ले रहा है तब ये सेक्शंस काम आते हैं, बट मैं कंप्लीटली चेक करना चाहता हूं इसलिए मैं सब खोल रहा हूं। पिकअप नहीं ले रहा है, अगर आपका मशीन ट्रे 400 हो गया, 305 हो गया, 3300 की सीरीज की जितनी दैट्स मीन इस तरह का डेक दिखने वाला उसमें ऐसा है और पेपर खट खट आवाज करे या पेपर पिकअप नहीं ले रहा है तो इसका इश्यू होता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि ये एंगल यहां तक आना चाहिए, ओके। तो हमने स्प्रिंग कोई गड़बड़ तो नहीं लगाया है असेंबली करते समय, इतना पुश करेगा, पुश करने के बाद ये ओके, ये प्रॉपर इसके साथ घूम रहा है, ये भी प्रॉपर। अभी इसमें एक स्प्रिंग रहता है, ये भी प्रॉपर है, ऐसा नहीं कि, बट इसी कंफ्यूजन के लिए मैंने दूसरे भी रखे हुए हैं। पहले तो यहां थोड़ा स्पेस रहता है, इसको पकड़ के इस स्प्रिंग को आप अंदर डाल देने का, उसके बाद अभी जो साफ किया उसको लगा देता हूं। ये हो अंदर देख रहे हैं थोड़ी जगह है, इसी जगह में इस स्प्रिंग का पोजीशन सेट करने का और ये होल्डर लगा देने का, ओके फाइन। ये तो अभी उसके जैसा फ्री चल रहा है, ये गियर भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सब चीजों में एक चीज अगर देख रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सोच के मैं इसको चेंज करना सोच तो रहा हूं लेकिन मुझे कुछ गलत नहीं दिख रहा है इसमें, बड़ा मैं ऊपर नीचे कर देता हूं, इस चीज को यहां लगा देता हूं क्योंकि इनकी पोजीशन में भी देखो अगर तो फर्क तो नहीं दिख रहा है, एकदम प्रॉपर है। मैं सेट वाइज सेट करता हूं, क्योंकि इसका भी फॉल्ट रहता है, ये खराब रहता है तो भी ऐसा होता है। अभी ये हुआ हमारा पोजीशन, ये कर देंगे इसकी हालत, दैट्स मीन ये तो ये, उसके बाद ये दोनों सिर्फ ट्रे पिकअप करने के लिए काम आते हैं, ये जो एंगल उठता है उसके लिए। बट हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इस हिस्से में हो रहा है, जब पेपर पिकअप के पोजीशन पे जा रहा है तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम इसे थोड़ा और रोचक करना चाहें, ये
ठीक है, कोई इश्यू तो इसमें नहीं लग रहा है मुझे, बट चलो ये भी ओके दिख रहा है कि लास्ट ये भी ठीक ही है। ऐसा नहीं कि इसका माउथ ज्यादा बड़ा हो इसलिए रॉड का इश्यू दे रहा हो। ओके ये तो हो गया, इसका सोलेनोइड या ये काम नहीं कर रहा है क्या यार प्रॉपर। ओके फाइन, इसको चेंज करते हैं, मैं दूसरा लेके आता हूं। मैं एक गियर लेकर आया हूं, अभी ये गियर लगाएंगे। एग्जैक्टली इस गियर के कंडीशन में हमको जो केबल लगाना पड़ता है बेल्ट थोड़ा छोटा रहता है और इसमें लगाने के लिए बेल्ट थोड़ा बड़ा लगता है। हर चीज क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें कनेक्टेड हैं तो हमें हर चीज का ध्यान देना पड़ता है। अब ये क्या करेगा क्योंकि ये इसके साथ घूमता है, अगर इसका प्रोसीजर सही रहेगा, ये मैं क्यों चेंज कर रहा हूं आपको मालूम है, क्योंकि ये जो करता है काम ये आपके अदर्स रॉड्स को घुमाने का कोशिश करता है जो ट्रे से निकलने के बाद पेपर आगे प्रोसीड करने का काम करते हैं। अगर थोड़ा भी डिले, क्योंकि मैं देखा 0103 का जामिंग कोड दे रहा था, मतलब डिले जाम होता है वो, और डिले जाम मतलब इसीलिए मैंने ये सारी चीजें भी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। ये नया लगाया अभी, ये दूसरा डाल दिया हूं, ठीक है। कोई भी क्योंकि बहुत बड़ा टेंशन रहता है पिकअप यूनिट खोलना, और छोटी सी गलती भी हुई ना तो आपका यूनिट प्रॉब्लम देने लगेगा, बार बार खोल रहे हो टूट जाएगा। यहां आपने स्प्रिंग पहले इसके अंदर फंसा लेने का, उसके बाद इसको ऊपरी छोर पे लगा दे, ये लग ये इसका स्प्रिंग बाद में लगाने का क्योंकि हमको एक बड़ा रॉड भी लगाना पड़ता है। आप थोड़ा ही एग्जामाइन करेंगे कि भाई कौन सा बेस्ट है क्योंकि हम इसमें भी गलती नहीं चाहते। हमने एक चीज नहीं लगाया है वो ये हमको स्टार्टअप पे ही लगाना चाहिए, जैसे लगा रहा हूं मैं, ये लग गया, उसके बाद ये क्लिप इधर लगता है, क्योंकि जब ये इसको फ्लो जैसे ये ट्रे लगता है तो ये लॉक करता है, अगर ये नहीं रहेगा तो ये वापस से भाग जाएगा, तो ये यहां लॉक करता है इसको। ये लगाने के बाद हम सबसे पहला अपना पहला गैजेट इंसर्ट करते हैं। अब इसको इंसर्ट करने के लिए पहले इसको डाउन कर लेने का, उसके बाद इजली ओके। अब सेकेंड स्टेप पे हम देख रहे हैं कि ये तो थोड़ा गड़बड़ है, और इसकी कंडीशन देखी जाए तो यही ठीक लग रहा है। और हमने परमानेंटली बना हुआ, ये दोनों में कुछ फर्क नहीं है यार, सिर्फ ये अलग से लगा हुआ है, ये इसके साथ ही है। तो देखते हैं अगर ये भी, वैसे ये थोड़ा टाइट होना चाहिए, ये लूज है तो ये भी अच्छी बात नहीं है, बट हम क्या करें, हमको तो
ऊपर इस गार्ड काम करता है, अगर ये डिले करेगा तो अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं ये भी दूसरा ले आता, ठीक है ये भी मैं दूसरा लेकर आया हूँ, यही लगाएंगे। इसे साइड किया, इसे साइड किया, इसे साइड किया, ये भी दूसरा चेंज किया हूं। अब मेन चीज होता है, ऐसा गियर आपने चेंज किया तो इसके लिए बेल्ट अलग लगता है। अगर आप ये बेल्ट लगाने की कोशिश करोगे ना, ये वाला आप देखेंगे तो ये छोटा पड़ता है, क्योंकि इसमें एक गियर भी लगा रहता है ना, ये गियर, इन दोनों को एग्जामिन करोगे तो ये छोटा पड़ जाएगा, इसलिए ये बड़े साइज वाला गियर इसमें लगाना है। ओके, और इसे मैं वापस से रख देता हूं, ये मैं दूसरी मशीनों में काम आएगा। अभी इसको निकाल लेता हूं मैं, क्योंकि अभी ये नहीं लगेगा। अब इसके बाद ये लगा दिया, ये लगा दिया, अभी इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो लगानी है। सबसे पहले ये जो इसको एंटी प्रेशर देता है, तो इसे लगाने का एक तरीका है, मैंने इसीलिए ये इसका स्प्रिंग नहीं लगाया, इसको यहां डायरेक्ट फंसा देने का। वाह कमाल है, ये थोड़ा टेंशन का रहता है, हाथ काट देगा इसलिए डर लगता है इससे। और इसके अलावा तो मुझे और कोई ऑप्शन अच्छा इसके लिए नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं मेरा हाथ थोड़ा भी ऐसे गया तो ये ब्लैक जो आपको दिख रहा है ये सीधे मेरी उंगली फाड़ देगा। प्लास्टिक का ही है बट इस तरह डिजाइन है ये कि फाड़ देगा। इतना हमने लगा दिया, अब हमारे दिमाग में आता है अब क्या अब क्या, तो इसके बाद ये होने के बाद हम डायरेक्टली इसको लगा देते हैं। कभी भी वन साइड से प्रोग्राम करना शुरू करो, इससे आपको क्या होगा, स्टेप्स को याद रखने का बट प्रोसीजर में गड़बड़ नहीं करो, क्योंकि एक बार भी थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो फिर आप कुछ न कुछ भूल जाओगे। ओके, ये हो गया, इसका प्रेशर ठीक है, हर चीज चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार दो बार काम करने के बाद नहीं होता तो बहुत परेशानी होती है, बहुत ज्यादा परेशानी। अब इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा इसकी स्प्रिंग, क्योंकि ये स्प्रिंग हमने लगा दिया तो अब सिर्फ ये स्प्रिंग यहां लगाना बाकी है। ये लग गया, ये लग गया, उसके बाद ये लगा देते हैं। इसको इस तरह पकड़ने का, इसको ऐसा फंसा कर इसको इधर लगाने का, उसके बाद सबसे पहले इसको लगा देने का, तो आपको इसको लगाने में आसानी होगी। एक्चुअली मैं साइड में बैठा हूं इसलिए मुझे परेशानी हो रही है, बट मैं ऐसे करूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा ना उतना जो कुछ दिख भी रहा है। ये यहां लग गया, अगर ये प्रॉपर नहीं बैठा इसको थोड़ा बैक लो, उसके बाद एक्चुअल में ये सेकेंड ट्रे के लिए काम करता है, इसको ऐसे करके लॉक कर दो। ये अब हम बात करेंगे इस गियर में,
क्योंकि इसका भी बड़ा ये मोटर और गियर, ये मोटर भी दो बार चेंज कर चुका हूँ कि ऐसा लग रहा था इसका प्रॉब्लम हो, इसका प्रॉब्लम हो, इसलिए हो रहा हो, बट दो बार चेंज करने के बाद ऐसा लगा कि नहीं इसका प्रॉब्लम नहीं है। इतना सब कुछ हो गया, आप एक बार चेक करना बहुत जरूरी है। चेक करने के बाद ही आपको कंफर्म होता है कि भाई क्या लगा है क्या नहीं लगा है। हर चीज चेक करने के बाद ही, दो मिनट लेट रहेगा चलेगा, बट आप जल्दबाजी में करोगे तो भूल जाओगे अरे क्या लगा है क्या नहीं। अभी एक अच्छा है कि ये न्यू ब्रांड है ये बेल्ट, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसको लॉक करने के लिए लगता है, इतना कुछ लगाने के बाद साफ रखना बहुत जरूरी है। ये सब भी चेक कर लेता हूँ, ये सब तो ऑलरेडी यार एकदम क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब डायरेक्टली हम एक कवर लगाएंगे। ये कवर लगाने के लिए सबसे पहले ये कनेक्शन इस मोटर के वायर के साथ ले लेने का अंदर से ही, ठीक है। अब इसे लेने के बाद ये दोनों वायर को यहां सेट करने का, फिर धीरे से मोशन करते हुए इसको इनसाइड करने का। ये जैसे जैसे अपने पोजीशन पे बैठते जाएंगे वैसे वैसे सेट होगा। अब ये सेट करने के लिए इधर जो गियर लगे रहते हैं इसको घुमाना पड़ता है आपको, ये सब घुमा के चेक कर लेने का, ये सब हल्का फुल्का, क्योंकि एक बार अंदर इंसर्ट हुआ तो हम आराम से सेट कर सकते हैं। ये घुमाना बहुत जरूरी है, जो पिकअप मोटर है नहीं तो इधर का बैठता नहीं। ये देखो ये प्रॉपर घूमता है तो ठीक है। अभी ये होल्डर काम क्या करता है, इसको इधर उधर जाने नहीं देता, ये इसे एक जगह पे रखता है, इसलिए ये होल्डर इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके चेक कर लिया आपने, उसके बाद प्रॉपर हर चीज, हर दोनों ट्रे के गियर्स को घुमा लेने का। पहला चेकिंग ये, पहले ट्रे के भी गियर को, दोनों बड़े गियर्स को घुमा के देख लो। ओके चेकिंग कंप्लीट। थर्ड स्टेप, इसका ये ज्यादा हिस्सा है इसको लगाने के बाद चेक करने का। ये होने के बाद चलो ठीक है, अब हम सबसे पहले बॉडी के स्क्रूज लगा देंगे, क्योंकि पहले स्क्रू लगा दोगे तो आपको ये टेंशन नहीं आएगा कि कोई स्क्रू छूट तो नहीं गया, या ऐसा गलती भी हो जाता है कि कोई स्क्रू हम छोड़ देते हैं तो भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा।
स्क्रू ज्यादा टाइट नहीं करने का, इतना ही टाइट कि बस हाँ उसने लॉक किया हिस्से को, ज्यादा टाइट करेंगे तो वो टूट जाता है। अभी घुमाएंगे इसको, इस मोटर को दोनों तरफ घुमाने का, क्योंकि उसके बाद ये सेटअप डाल देने का। पहले तो इसको इधर से ले लिया, सेकंड इसको इधर सेट कर दिया, सेट करने के बाद ये भी अंदर ले लिया, ये लॉक किया, ये इधर से इधर से। अब कुछ चीजें बाकी रह गई हैं, गेस करो भाई क्या बाकी है। ओके, तो यहां का एक क्लिप और सोलेनोइड। तो पहले तो मैं क्लिप लगाऊंगा, क्लिप लगाने के लिए सबसे बहुत जरूरी बात यह रहती है कि वो अपने पोजीशन पे बैठे। मैंने कई बार देखा है, मेरे जिनको मैं सिखाता हूं उन लोगों की गलतियां कहां होती हैं, वो एक दो बार अगर उनको मैंने बोल दिया इसको सही से करो, इसको ठीक करो, तो उनमें हड़बड़ाहट बढ़ जाती है और वो ये चीज को बिठाने के लिए कम से कम 30 से 40 सेकंड का टाइम ले लेते हैं। कुछ लोग तो इधर ही अटक जाएंगे कि उसको फंसाएं किधर, और वो कई बार प्रैक्टिस किए रहते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने दें, काम कर रहे हो थोड़ा स्लो हो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट माइंड डिस्टर्ब मत करो, एकदम साइलेंटली काम करने का। सारे कनेक्शन लगाने के बाद उनको चेक करना बहुत जरूरी है, और कभी कभी ऐसा पीसीबी में होता है कि ये काम नहीं कर रहा, तो इन लोगों को वापस से सोल्डरिंग कर देने का, जो जो कनेक्शन के हैं ना पॉइंट्स उनको वापस से सोल्डरिंग कर दो, वो काम करने लगेंगे। ठीक है, क्लच ये सॉरी सोलेनोइड कनेक्शन दिया, इधर मोटर का, सेकेंड ट्रे के पेपर सेंसर का, इधर आपका जो क्लच लगा है उसका दिया, उसके बाद इसका फर्स्ट ट्रे सेंसर का दिया। अब ये सब लगाने के बाद प्रॉपरली सबसे पहले इसको इस तरह पकड़ लेने का, इसके खांचे में बिठाने का। एक तरफ जब ये खांचे में बैठ जाता है ना, ठीक है, जब ये वन साइड खांचे में बैठ जाएगा तो फिर आपको आराम से दूसरे साइड बिठाने का मौका मिलेगा, ये इधर से लॉक, ये इधर से लॉक, और ये लॉक टूट जाए तो डायरेक्टली स्क्रू लगाने का। काम करते समय जब आप इन सब चीजों का ध्यान दोगे आप, तो आपको कई सारी चीजें नई सीखने को मिलती हैं। कोई भी यूं खोलने में टेंशन नहीं लेने का, लेकिन हाँ इतना जरूर ध्यान देने का कि भाई खोला किधर से स्टार्ट किया हूं और किधर। ये वापस से मैंने फिट कर दिया इस यूनिट को, और फिर से इसे लगाएंगे मशीन में। ठीक है, और चलो इसे लेकर आते हैं। अब चेक करते हैं क्या इसकी मुसीबत दिखेगी या क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली इसे लगाने के बाद इसके स्क्रू लगाना जरूरी है, क्योंकि वो उसको बैलेंस करके रखता है।
ऐसा कुछ नहीं कि आपको वही स्क्रू लगाने हैं जो इसमें लगे रहते हैं, वो एक इसलिए अलग अलग स्क्रू कलर में दिए रहते हैं कि भाई आपको खोलने के लिए जो बंदा इस मशीन को खोले उसको सेफ्टी रहेगी, इतने स्क्रू खोलने के बाद ये यूनिट टूटेगा। बट रियलिटी ये है कि इन मशीनों को खोलने के लिए वही खोलता है जो इसके बारे में जानता है। तो वो बेसिक सेपरेशन साइड में मैं रख देता हूं अभी। मैंने 6 स्क्रू इसके लगा दिए हैं, टोटल 8 स्क्रू से पैक रहता है, एक फ्रंट साइड से और एक ये। ओके, ये आउटर कनेक्शन से मुझे लगा ये केबल खराब है इसका, इसलिए आउटर कनेक्शन मैंने दिया इसको। अब ये कनेक्शन लगा देते हैं।